नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। दादी प्रकाशमणि विजडम पार्क से होगा सेवाओं का सिलसिला चालू। वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में हुआ पहले चरण का उद्घाटन। जलियांवाला बाग शहीद दिवस के अवसर पर छतरपुर में शहीद श्रद्धांजलि साइकिल मैराथन का आयोजन। 28 ब्रह्मकुमारियों ने लिया भाग। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सिग्नल्स डिपो रेजिमेंट में तनाव मुक्ति के लिए वर्कशॉप। कटंगा कॉलोनी और सिग्नल्स डिपो रेजिमेंट का संयुक्त आयोजन। और बुलेटिन में होंगी आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़ी कई खबरें। ब्रह्मकुमारी संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी की स्मृति में बने पीएम पार्क से अब नई सेवाओं का दौर चालू होगा, क्योंकि पीएम पार्क के हो रहे कायाकल्प के प्रथम चरण का विधिवत उद्घाटन हो गया है। अब पीएम पार्क का नया नाम दादी प्रकाशमणि विजडम पार्क है। खुशी के इस मौके पर संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके जयंती, संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके संतोष, महासचिव बीके निर्वैर, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, नेपाल के प्रभारी बीके राज, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, दिल्ली शक्ति नगर के प्रभारी बीके चक्रधारी समेत संस्था के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और देश भर से आए वरिष्ठ बीके बहने मौजूद रही। दादी प्रकाशमणि विजडम पार्क के प्रथम चरण में बाबा रूम, 3D थिएटर, न्यूज विभाग, एनिमेशन विभाग, राजयोग थॉट लैब, वीडियो स्टूडियो का उद्घाटन हो गया है और जल्द ही यहां से नई सेवाओं का सिलसिला चालू होगा। बुंदेलखंड के जलियांवाला बाग शहीद दिवस के अवसर पर जलियांवाला बाग चरण पादुका स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए चरण पादुका सेवा समिति, स्वतंत्रता संग्राम सेना उत्तराधिकारी संगठन एवं महर्षि विद्या मंदिर द्वारा शहीद श्रद्धांजलि साइकिल मैराथन का आयोजन हुआ, जिसमें छतरपुर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शैलजा को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया। मैराथन में 28 ब्रह्मकुमारी बहनों ने भी भाग लिया, जिसकी सभी ने जमकर सराहना की। लगभग 40 किलोमीटर लंबी इस मैराथन को हरी झंडी शहर के DIG विवेक राज सिंह, कलेक्टर GR संदीप, ADG अनिल पाठक, BK शैलजा समेत शहर की कई जानी मानी हस्तियों ने दी। जबलपुर के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा सिग्नल्स डिपो रेजिमेंट में जवानों के लिए तनाव मुक्ति और स्व प्रबंधन विषय पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें सीनियर राजयोग टीचर बीके विनीता ने राजयोग मेडिटेशन की जानकारी देते हुए अभ्यास भी कराया। कि जो मानसिक बीमारी बढ़ रही है तो हम तनाव कहते हैं, उसका भी कारण क्या है, तो सरल शब्दों में यदि हम कहें तो तनाव का कारण है मानसिक कमजोरी। गोवा के पणजी में ट्रांसपोर्ट ट्रेवल विंग द्वारा चलाए गए सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल अभियान के तहत रैली का आयोजन किया गया। आजाद मैदान से चालू हुई इस रैली को अर्जुन अवार्ड विजेता ब्रह्मानंद संखवालकर और गोवा के प्रभारी बीके शोभा ने रवानगी दी। इस दौरान ब्रह्मानंद संखवालकर ने कहा कि वाहन चलाते समय मोबाइल उपयोग के कारण दुर्घटनाएं काफी बढ़ रही हैं, इसलिए मैं अपील करूंगा कि वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करें। पंजाब के मोहाली सेवा केंद्र पर मेडिकल विंग, आयु हेल्थ मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा निशुल्क जांच शिविर लगाया गया, जिसमें डॉक्टरों की एक टीम ने 200 लोगों की जांच करते हुए उचित परामर्श दी। तन की जांच के साथ मन की जांच के लिए इस मौके पर बीके सदस्यों ने लोगों की काउंसलिंग भी की। यह पूरा शिविर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके रमा की मौजूदगी में हुआ। ऐसा ही एक जाँच शिविर महाराष्ट्र के थाने व सेवा केंद्र पर भी आयोजित हुआ, जिसमें डॉक्टर्स ने 160 लोगों की शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, जोड़ों में दर्द की जांच की और उचित परामर्श दी। यह जांच शिविर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित था। अब कुछ खबरें एक नजर में। कोलकाता के बारानगर स्थित RJKR मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप। बारानगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके पिंकी, बीके सौमी और बीके रनीता ने छात्रों को किया संबोधित। बीके सौमी ने नर्सिंग छात्राओं को बताया आने वाले समय के वॉरियर्स। बीके पिंकी ने लक्ष्य को पाने के लिए मन की सफाई और एकाग्रता को बताया जरूरी।
राजयोग मेडिटेशन द्वारा एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने का दिया सुझाव। बीकी रनिता ने सभी को तनाव मुक्त रहने के दिए टिप्स। छतरपुर के किशोर सागर सेवा केंद्र पर डॉक्टर्स का सम्मान समारोह। बीके रीना ने कहा कि डॉक्टर्स मरीजों के स्वास्थ्य की रक्षा को समझते हैं अपना धर्म। सीएमएचओ डॉक्टर विजय पथोरिया, जिला टीकाकरण अधिकारी मुकेश प्रजापति समेत कई चिकित्सकों का किया सम्मान। डॉक्टर विजय पथोरिया ने आम जनता को सरकार द्वारा मिलने वाली निःशुल्क स्वास्थ्य योजनाओं की दी जानकारी। ऐसे सेवा केंद्र पर छतरपुर जिले के स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े लोगों के लिए खेलेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया विषय पर सम्मेलन। स्कूल शिक्षा विभाग से जिला खेल अधिकारी श्रीकांत दुबे, कबड्डी जिला सचिव मानसिंह समेत स्पोर्ट्स फील्ड के कई हस्तियां रही सम्मेलन में मौजूद। खेल अधिकारी श्रीकांत दुबे ने कहा कि खेल मैदान व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को करता है विकसित। कार्यक्रम के अंत में बीके रीना ने सभी अतिथियों को किया सम्मानित। जालंधर के ग्रीन पार्क स्थित सेवा केंद्र पर अरुण वंश अरोड़ा खत्री महासभा के सदस्यों के लिए स्नेह मिलन। अरुण वंश अरोड़ा खत्री महासभा के अध्यक्ष ऋषि अरोड़ा हुए कार्यक्रम में शामिल। ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा की जा रही समाज सेवाओं को सराहा। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा के मार्गदर्शन में आयोजित रहा कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के केसली में चल रही रामकथा में बीके संध्या को विशेष निमंत्रण। रामकथा के आयोजक गोपाल विश्वकर्मा ने बीके संध्या और बीके किरण का किया सम्मान। बीके संध्या ने कथा में मौजूद लोगों को निराकार परमात्मा का दिया सत्य परिचय। कार्यक्रम में विधायक हर्ष यादव समेत कई प्रतिष्ठित लोग रहे मौजूद। पंजाब में फरीदकोट की केंद्रीय जिला जेल में महिला कैदियों के लिए कार्यक्रम। माउंट आबू के वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके भगवान ने कैदियों से जेल को सुधार गृह समझने की कही बात। बदला लेने की भावना के बजाय स्वयं को बदलने की कही बात। पुरानी बातों को भूलकर नई सोच के साथ जिंदगी की शुरुआत करने का दिया सुझाव। राजयोग मेडिटेशन की जानकारी देने के साथ राजयोग के अभ्यास से मनोबल बढ़ाने की कही बात। डीएसपी बलवीर सिंह, डीएसपी आशु पट्टी, वेलफेयर ऑफिसर जसवंत सिंह भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। ऐसे ही मुक्तसर जिला जेल में भी हुआ कार्यक्रम। कई कैदियों ने गीत गाकर किया सभी का मनोरंजन। जेल सहायक अधीक्षक तरसेम सिंह कैदियों के प्रदर्शन से हुए प्रभावित। स्थानीय सेवा केंद्र की बीके पिंकी भी रही मौजूद। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में लगा ब्लड डोनेशन कैंप। श्रुतिका लेबोरेटरीज एंड अर्बन ब्लड बैंक के सहयोग से लगा कैंप। सेवा केंद्र से जुड़े 28 लोगों ने किया रक्तदान। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता, श्रुतिका लेबोरेटरीज के ओनर डॉक्टर राजन चिंचनीकर, अर्पण ब्लड बैंक के मैनेजर बाबा साहेब अघाव, सीपीआर नर्सिंग कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल सुधा पाटिल कैंप के दौरान रही उपस्थित। पंजाब के तपा स्थित माता दादी टेम्पल में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित रही प्रदर्शनी। विधायक लाभ सिंह उगोके ने किया प्रदर्शनी का उद्घाटन। बीके सदस्यों ने लोगों को विस्तार से समझाई प्रदर्शनी। हिमाचल प्रदेश के ऊना सेवा केंद्र द्वारा गांव-गांव में किसानों के लिए कार्यक्रमों का आयोजन। संस्था के सदस्यों ने शाश्वत योगी खेती की दी जानकारी। गांव के प्रधानों और किसानों ने लिया लाभ। यूपी जौनपुर के सरसरा ग्राम पंचायत में चलाया गया 5 दिवसीय अभियान। नशा मुक्ति, उन्नत कृषि और नारी सशक्तिकरण के प्रति स्कूलों में फैलाई जागरूकता। लगभग 1500 छात्रों को जीवन में कभी भी नशे का सेवन न करने की कराई प्रतिज्ञा। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।